अस्सलाम वालेकुम। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने किया था। इसमें इसने ये बताने की कोशिश की है कि स्टिमुलस रिस्पांस जो है वो कैसे किया जाता है। मतलब उसमें इसने ये चेक किया था। अच्छा, उसने सबसे पहले ये किया कि एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में डाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया, और उसका जो खाना था फिश की सूरत में वो बाहर पिंजरे से रख दिया। और वो भूखी थी और उसने जो है खाने की तरफ लपकना था, लेकिन मजबूरी ये थी कि वो बाहर कैसे निकले। उसने बड़े हाथ पैर मारे, हर तरह के हाथ पैर मारे, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकती थी। इसी हाथ पैर मारने के दौरान उसका हाथ जो है वो दरवाजे की कुंडे पे पड़ा और वो किसी तरह से ऊपर हो गया, और उसकी वजह से वो दरवाज़ा खुल गया। और फिर उसने देखा कि उसका जो खाना है वो नज़दीक है, और वो उसने खाना खा लिया। अच्छा, एक दफ़ा तो ऐसा हुआ। दूसरी दफ़ा फिर ये हुआ कि उसने उसको दोबारा बिल्ली को पिंजरे में बंद किया, और फिर भी उसने यही किया। दो तीन दफ़ा ऐसा करने के बाद पांचवी छठी दफ़ा में ऐसा हुआ कि वो सीख गई बिल्ली के उसने जो है कौन सा वाला कौन सी जगह पे हाथ मारना है, तो जिसकी वजह से वो कुंडी जो है खुल जाएगी। और इसको कहते हैं फिक्सेशन, यानी कि वो एक्ट जो कि जिससे कि वो दरवाज़ा खुल सकता है, कुंडी हट सकती है और वो खाने की तरफ लपक सकती है, उस एक्ट को उसने फिक्स कर लिया बिल्ली ने अपने रहन में, और ये फिक्सेशन एक्ट हो गया। और इसमें ये दिखा बताते हैं कि जैसे स्टिमुलस है और आप उसको जो नीड होती है, नीड डिप्रीविएशन, उसकी तरफ वो लपक उसको ख़त्म करने के लिए, यानी कि भूख को ख़त्म करने के लिए बिल्ली जो है वो उससे बाहर आती है पिंजरे से, ताकि वो अपनी भूख मिटा सके और खाना खा सके। तो इस सिलसिले में थॉर्नडाइक ने ये एक रिस्पॉन्स डेवलप किया था मूकी बिल्ली को पिंजरे में डाल के। अच्छा, उसके बाद उसने इससे मिलते जुलते तीन लॉ बनाए इस चीज़ को सामने रखते हुए, एक्सपेरिमेंट को। और सबसे पहला था लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि अगर एक जैसे इसमें ये भूखी बिल्ली है, जाहिर है वो भूखी है तभी वो खाने की तरफ लपकेगी, अगर वो भूखी नहीं होगी तो कभी खाने की तरफ लपकेगी नहीं। इसी तरह जब तक स्टूडेंट रेडी नहीं होगा, यानी कि हमारा नहीं होगा, तो वो पढ़ेगा नहीं। आप किसी स्टूडेंट को ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकते। उसके बाद फिर उसने एक और किया लॉस के इससे मुतल्लिक, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। उसमें ये कहा कि जितना ज़्यादा आप एक चीज़ को प्रैक्टिस करवाएंगे, इतनी ज़्यादा वो चीज़ जो है पुख्ता होती जाएगी। जैसे कि एक आम मुहावरा है, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो ये बिल्कुल सही है, जितना ज़्यादा आप एक चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे वो आपके अंदर पुख्ता होती जाएगी। फिर एक है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि उसका जो आप किसी भी चीज़ को, अगर जैसे एक बच्चे को, स्टूडेंट को, यानी कि खुशी होती है उसको पास होने की, तो उस सिलसिले में वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता है कि वो फर्स्ट आएगा, उसको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, उसको ट्रॉफी मिलेगी। और इसी तरह अगर वो किसी चीज़ से अनॉयड होता है तो उससे भी वो बचने की कोशिश करता है, यानी कि फेल होना हमारे माशरे में एक अनॉइंग एक्सपीरियंस है। तो स्टूडेंट्स जो है उससे बचने के लिए भी मेहनत करता है और वो कोशिश करता है कि वो पास हो जाए। शुक्रिया।